8 मार्च को दुनिया भर में महिलाओं के सम्मान के दिन के रूप में माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिन है जब महिलाएं अपनी आजादी का जश्न खुलकर मनाती है। कहते हैं नारी अगर ठान ले तो उसके लिए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुमकिन ना हो। हमारे देश में भी ऐसी मेधावी और प्रतिभाशाली महिलाओं की भरमार है जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मनवाया है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान की ही एक ऐसी आयरन लेडी से जिन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से ऐसा मकाम हासिल किया है जिसे पाने में पूरी जिंदगी भी खपा दी जाए तो कम है। बाड़मेर की रहने वाली इस आयरन लेडी का नाम रूमा देवी है। 30 साल की रूमा ने महज 8वीं तक ही शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन इनके अंदर कुछ कर गुजरने का ऐसा जज्बा था जिसे परिवार और समाज की बंदिशें भी दबा नहीं पाई। बाड़मेर की रूमा राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान के हुनरमंद महिलाओं में भी अपने अलग पहचान बना चुकी है। रूमा महिलाओं के अपने समूह के साथ मिलकर कपड़ों पर सुई धागे से कसीदाकारी का काम करती है। अपने इसी काम की बदौलत रूमा देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुकी है। संघर्ष तो करना पड़ता है हर महिला को, चाहे कितना ही बड़ा घर हो या छोटा घर हो, बाहर निकलने के लिए तो उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब मैं घर से निकली तो सब बोलते थे, अड़ोस पड़ोस के बोलते थे अब ये क्या काम कर लेगी, या घर वाले भी बोलते थे, लेकिन जब पैसे आने लगे और काम दिखने लगा तो सबको विश्वास हो गया कि ये कुछ कर सकती है महिलाएं। रूमा देवी ने साल 2008 में सुई धागे से कपड़े पर कसीदाकारी का काम शुरू किया था, वो भी महज 8 महिलाओं के एक छोटे से समूह के साथ। लेकिन देखते ही देखते महज कुछ ही सालों में रूमा की पहचान बाड़मेर से होते हुए पूरे राजस्थान में पहुंची। इसके बाद देश भर में उनके काम का बखान होने लगा, यहाँ तक कि सात समुन्दर पार भी रूमा देवी की कसीदाकारी को सराहा जाता है। यही वजह है कि रूमा देवी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देश का सबसे बड़ा कहा जाने वाला नारी शक्ति सम्मान दिया जा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ में ये कला का विषय है, ये भी साथ में होना चाहिए और ये छोड़ना नहीं है। संघर्ष तो करना पड़ता है हर महिला को, चाहे कितना ही बड़ा घर हो या छोटा घर हो। रूमा देवी को साल 2017 में गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नीदरलैंड की महिला सशक्तिकरण अवार्ड के साथ ही कई और सम्मान भी दिए जा चुके हैं। आज रूमा देश भर की उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो अपने दम पर कुछ कर गुजरने की जज्बा रखती है। उन महिलाओं को जागरूक करूंगी जो अभी तक काम नहीं कर रही है, जो पढ़ लिख नहीं रही है, तो उनको बोलेंगे आप पढ़ाई लिखाई अच्छी करो, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन पढ़ाई के वजह से कोई अटकन भी नहीं आई। लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो लैंग्वेज की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वो ना आए इसलिए पढ़ाई जरूरी है। और उसके साथ साथ में अपना जो हुनर का काम है, बाड़मेर में सब में हुनर है, ऐसी कोई महिलाएं नहीं है जिसको कुछ नहीं आता, सुई धागे का काम सबको आता है और वो कायम रहना चाहिए साथ साथ में। रूमा देवी की शख्सियत एक ऐसी महिला की है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि आज उन्हें देश और दुनिया के लोग सलाम कर रहे हैं। रूमा काफी हुनरमंद है, लेकिन कम तालीम की वजह से भी कभी कभी इन्हें कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ती है। इसलिए रूमा अपने देश और प्रदेश की तमाम बहनों को हुनर सिखाने के साथ साथ ही पढ़ने लिखने की भी सलाह देती है। रूमा देवी आज 2000 से ज्यादा महिलाओं का समूह चला रही है। सुई धागे से कपड़ों की कसीदाकारी करने वाली महिलाएं रूमा को अपना आदर्श मानती है, क्योंकि ये रूमा की मेहनत और उनका मजबूत इरादा ही था जो उन्हें इतनी बुलंदी पर ले आया है। रूमा के हौसले को देखकर उन पर ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है कि परिंदे को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।